नमस्कार, वेला होम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चना चिली। चना चिली बहुत ही रोचक डिश है, जो कि आप एज ए स्टार्टर यूज कर सकते हैं। किसी भी किटी पार्टी या किसी भी छोटे फंक्शन में आप चना चिली का यूज कर सकते हैं। चना चिली बहुत ही रोचक रेसिपी और डिश है, जिसको आप नाश्ते में, शाम को, इवनिंग में चाय के साथ या किसी छोटी पार्टी में उपयोग कर सकते हैं। चना चिली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज होता है। तो आइए, हम चना चिली बनाने के लिए तैयार हैं। और चना चिली बनाने के लिए हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हमें छोले लेने होंगे, छोले चने। इसको हमने पहले से बॉयल कर लिया है, एक दिन पहले आप इसको पानी में सोक कर दीजिए और इसको पानी में उबाल लीजिए। उबालने के बाद आपको इसको इतना हार्ड उबालना है कि चना गल ना जाए, चना थोड़ा सा हार्ड रहे। मैं इसी कॉन्सिस्टेंसी अभी हाथ से दबा के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, चना बहुत इजीली दब रहा है, लेकिन कच्चा नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा ये उबला हुआ है। उबालते समय इसमें आप थोड़ा सा नमक जरूर मिलाएं। चने उबल जाने के बाद इसको एक कटोरी ले लीजिए, साथ ही आप शिमला मिर्च जिसको बहुत बारीक नहीं काटना है, प्याज इसको भी बहुत बारीक नहीं काटना है, आप एक कटोरी ले लीजिए, मध्यम साइज की कटोरी का उपयोग करें। ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, अगर आपको तीखा पसंद है तो हरी मिर्च ज्यादा लें। सोया सॉस, 3 छोटे चम्मच सोया सॉस, 2 छोटे चम्मच आपको विनेगर लेना होगा और 3 बड़े चम्मच टमाटो सॉस लेने होंगे। साथ ही आप कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च दोनों हाफ हाफ टी स्पून लेने, आधे आधे चम्मच, और आधा स्पून से कम अजीनोमोटो लेना है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको स्वाद पसंद है इसका तो आप अजीनोमोटो ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ना भी ले तो भी चलेगा। स्वाद अनुसार नमक, नमक में ध्यान रखिएगा कि आपके सोया सॉस में भी नमक होता है, आप नमक सोया सॉस डालने के बाद ही उपयोग करें। तो हमारी सारी सामग्री तैयार है और अब हम इसको बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप चने को एक छोटे बड़े बाउल में डाल लें। चना याद रखिएगा कि थोड़ा सा गीला हो, लेकिन हो सकता बहुत ज्यादा गर्म ना हो। अब आप इसमें लेके कॉर्नफ्लोर को इसको आपको पाउडर छिड़कना है और चने को हिलाते जाना है। कॉर्नफ्लोर का पाउडर डालते समय आप बिल्कुल मत घबराइए कि ज्यादा कम हो रहा है, क्योंकि चना जितना गीला है वो उतना ही अब्जॉर्ब करेगा और हमें चने के ऊपर इसकी एक तह लगानी है। चना पूरी तरह कॉर्नफ्लोर से ढक जाए, आप देख रहे हैं किस मेथड से हम कर रहे हैं। पाउडर डालते जाइए और चने को हिलाते जाइए, आप देख रहे हैं कि चना पूरी तरह से ढक गया है, पूरी तरह सफेद हो गया है, पूरी तरह से कवर हो गया है। अब ये तैयार है फ्राई होने के लिए। हम अब इसको तेल गरम कर रहे हैं कढ़ाई पे, और ये देखिए तेल गरम हो रहा है कढ़ाई पे। जैसे ही तेल पूरी तरह गरम हो जाएगा, तेज आंच में हमें चने को फ्राई करना है। देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें चने को फ्राई करने जा रहे हैं। ये देखिए चना पूरी तरह कवर हो चुका था, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे और बहुत ज्यादा देर तक नहीं तलेंगे। ये आप देख रहे हैं, देखिए चने फ्राई हो रहे हैं। इसको हमें कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। आपको याद रहे कि चने को हल्का सा मध्यम आंच में पकाना है, क्योंकि ये अंदर से थोड़ा सा टाइट हो जाए, क्योंकि जब हम इसको अभी इसको चिली सॉस के साथ फ्राई करेंगे तभी हल्का सॉफ्ट होगा। देखिए 2 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए, अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि चना हो गया है कि नहीं। अभी आप देखिए ये चना क्रिस्प करके टूट रहा है, मतलब ये हमारा तैयार है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह हम अपनी पूरी कटोरी के पूरे चने को फ्राई कर लेंगे। आप देख रहे हैं चने तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको कढ़ाई में फ्राई करते हैं। हमने उसी कढ़ाई में ऑयल कम कर लिया है, अब हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं, मतलब हम चिली सोना बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम ऑयल ने कम करके उसी ऑयल पे हम प्याज डालेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर जाएंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, कटी हुई ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च डाल रहे हैं हम,
सब्जियों को थोड़ी सी देर तक पकाना है, सौते करना है। जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए, तब हमें दूसरे इंग्रेडिएंट डालने होंगे। सब्जियां थोड़ी सी पक चुकी हैं, अब हम इसमें सोया सॉस डाल रहे हैं, टमाटो सॉस डालेंगे, विनेगर डालेंगे और जो हमने कश्मीरी मिर्च, काली मिर्च और अजीनोमोटो लिया हुआ है, तीनों हाफ हाफ स्पून उनको ऐड कर देंगे। मिर्च, काली मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। बच्चे कभी घर में तीखा खाना पसंद नहीं करते, इसलिए आप काली मिर्च और मिर्च को अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। नमक ऐड करेंगे। याद रहे कि नमक हमारा सोया सॉस में भी होता है, इसलिए नमक लेते समय ध्यान रखेंगे कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। इसको थोड़ी सी देर पकने देंगे। फिर हमारे चने तैयार हो गए थे, देखिए क्रिस्पी चने बने हुए हैं, ये क्रिस्प की आवाज़ के साथ टूट रहे हैं। अब हम इन चनों को अपने सिरप पे ऐड करेंगे। याद रहे कि सिरप को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि सिरप सूख जाएगा तो ये चने उसके साथ मिक्स नहीं होंगे और वो लसलसापन नहीं आएगा, क्योंकि जो चने के ऊपर आउटर कवरिंग लगी हुई है वो सॉफ्ट नहीं होगी। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि आपके चने सोया सॉस के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो, टोमेटो सॉस का बहुत अच्छे मिक्स हो। अब इसको थोड़ी सी देर मॉइस्ट होने देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर निखर के आ रहा है। अब ये 2 मिनट के अंदर आपकी रेसिपी तैयार हो रही है। देखिए चिली छोले तैयार हो चुके हैं, ये करीब 1 मिनट से पक रहे हैं और अभी इसके ऊपर आउटर कवरिंग सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको सर्व करने के लिए रेडी करेंगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों को खिलाएं। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये नाश्ते के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना निखर के आया है। आप इसमें बस एक चीज का ध्यान रखें, एसिटिक एसिड यानी विनेगर स्वाद अनुसार डालें, बहुत ज्यादा ना डालें, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा खट्टा हो सकता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखें। ये ठंड के सीजन में थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है, इससे थोड़ा सा मिर्च की वॉल्यूम ज्यादा रखें। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करें और रेसिपी को गर्मा गर्म परोसें। धन्यवाद।